पर मैं ले रहा हूँ दो सॉकेट, दो पावर सॉकेट और एक ऑन ऑफ, ये सब 6 एम्पियर के हैं। और एक लूँगा प्लग और 3 मीटर वायर, कॉपर वायर, ये हमारी बॉडी है। और यहाँ पर मैं 2 LED लूँगा, एक ग्रीन एक रेड, और 2 लूँगा 56 KK रेजिस्टेंस। तो देखिए हमने दोनों LED पे रेजिस्टेंस लगा दिए और हीट सिंक से। और यहाँ पर जो हमारे 2 होल हैं, यहाँ पर मैं दोनों LEDs लगा दूँगा। इन दोनों LEDs को फेविक्विक की मदद से थोड़ा टाइट कर देंगे और जो इसका रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है दोनों को एक साथ लगा देंगे, ये कॉमन हो जाएगा हमारा। दोनों LEDs के जो माइनस माइनस हैं रेजिस्टेंस वाले वो कॉमन हो गया। अब यहाँ देखिए हमारे पावर सॉकेट है, इनकी वायरिंग करते हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये ब्लैक वाला दूसरे ब्लैक में और ये हमारा कॉमन है। जो LEDs की कॉमन जो माइनस पे लगाया रेजिस्टेंस वाले पे वो ये डायरेक्ट है। और ये रेड वाला ये ऑन ऑफ पे लगाया और LEDs का जो एक लैग है वो भी ऑन ऑफ के नीचे लगाया। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये LED जल जाएगी और एक LED जब पावर आएगी जब जलती रहेगी। तो हमारी रेडी हो चुका है। जो हमारे प्लग है इसकी भी वायरिंग कर ली है हमने। इसकी वायरिंग पूरी हो चुकी है दोस्तों। देखिए हमारा बोर्ड पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो हमारी ग्रीन वाली एलईडी थी वो हमारी पहली बार में फूक गई, वो चल नहीं पाई, जिसकी जगह मैंने रेड ही लगा दी दोनों जगह, क्योंकि हमारे पीछे की वायरिंग बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं करना, वैसे की वैसे ही है सब कुछ। अब यहाँ पर इसको हम ऑन करते हैं, हमारा जो बोर्ड है दोस्तों ये प्लग है, इसको हम पावर प्लग में लगाते हैं। जैसे इसको लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी LED, देखिए हमारी LED जल रही है, इसका मतलब इसमें पावर आ गई है। और नीचे वाली LED जब जलेगी, जब कोई चीज़ हम चलाएंगे इस पर, जब हमारा स्विच ऑन होगा तो नीचे वाली LED जलेगी, वरना ये बंद रहेगी। और एक LED हमेशा जलती रहेगी जिससे हमें पता चलेगा इसमें पावर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ जो है चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगाया 1 एम्पियर का चार्जर और ये चार्जर जुड़ा है हमारी LEDs से। देखिए हमारी LED जल रही है। और यहाँ पर देखिए मैं फ़ोन चार्ज करूँगा, चार्जिंग कनेक्टेड।